हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आप किसी भी अपने पड़ोसी से या अपने पड़ोसी से बात कैसे कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, चाहे या वो कोई आंटी हो या चाहे वो कोई अंकल हो। आप अपने पड़ोसी से बात कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उदाहरण मेरे एक दोस्त का ले लेता हूँ। उसका घर एक सिटी में ही है, जिसके घर के सामने एक किराएदार या किराए पर वो घर किराए पर वो सामने वाला किराए पर देता है तब वहाँ पर कुछ महीनों में एक किराएदार आया। उसमें एक अंकल और तीन उसकी बेटियाँ हैं। उसमें से मेरे दोस्त को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की पसंद तो आ गई, लेकिन उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए उससे बात नहीं हो रही। लेकिन वो लड़की भी मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे हिंट दे रही है, सामने देख रही है, बार बार स्माइल कर रही है, देख के चली जा रही है, ऐसी कुछ हिंट दे रही है, जिससे वो लड़का उससे बात करने के लिए बहुत कोशिश करता है। लेकिन उसके घर वाले स्ट्रिक्ट होने के बावजूद वो लड़की वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही। एक दिन बात तो कर लेते हैं, लेकिन वो लड़की उस लड़की को ना जानती है ना कुछ बात, केवल उस लड़के को लग रहा है वो हिंट दे रही है। तब एक दिन कहीं पे बाहर जाए तो वो एक बार मिलने चला गया। तब तो उस लड़की को देखता रहा। पहले तो 10 मिनट सोचा क्या बात करूं या ना करूं, कुछ ये बोल देगी तब क्या हो जाएगा, ऐसा तब क्या हो जाएगा। फिर हिम्मत करके उस लड़की को बात करने के लिए जाता है। वो बोलता है हेलो, हेलो, आप मुझे जानते हो या नहीं जानते होंगे, मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ बहुत टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन आपसे मैंने एक बात तो बहुत दिनों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। अब गलत मत समझना, वैसे आप क्या करते हो। मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तभी तो आप इस कोचिंग में जाते होंगे। कोचिंग भी जाते हो या नहीं, ऐसे सवाल तो पूछेंगे तब तो उसको लगेगा वो उसका इंटरव्यू ले रहा है। तब आप उसको रैंडमली ऐसे भी पूछ सकते हो, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से मैं आपको देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। देख रहा हूँ आप इतने खूबसूरत तो नहीं हो, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं तारीफ कर सकता हूँ, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, आपसे आप बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो, ऐसे तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी बहनों से ज़्यादा मुझे आप अच्छे लगे।
नहीं बोल रही तुम, आप भी मुझे अच्छे पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मैं आपको लाइक करता हूँ। मेरी आदत ऐसी नहीं है कि पहले फ्रेंडशिप करो फिर उसके बाद ये करो वो करो। मैं जो होता हूँ वो स्पष्ट बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो ही बात चलती है जो मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं वो बात पहले ही बोल देता हूँ जिससे वो मेरे दिमाग में ही ना चले। इसके लिए उसको सही शब्दों में बोल दो। क्या वो या तो हाँ कहेगी या तो फिर ना कहेगी। ना कहेगी तब आप दूसरे पे ट्राई करना, उसको छोड़ो, कोई दूसरी कोई उससे अच्छी मिलेगी। आप जब तक एक पर ही एफर्ट्स लगाओगे ना, तब आप अकेले ही रहोगे। आप अपने पास एक दूसरा ऑप्शन रखो, क्योंकि जब तुम्हारे पास दूसरा एक ऑप्शन होगा ना, तब आप ऐसे रिस्क लेने में घबराओगे नहीं, क्योंकि नहीं तो आप कहीं भी जाओगे तब वहाँ कोई भी रिस्क नहीं लोगे, तो अपने सेफ जोन में ही रहोगे। इसलिए आप रिस्क तो लेना ही होगा, रिस्क से बढ़कर कुछ नहीं है।